हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संगणक सीधी भर्ती 2023 के बारे में। इसका जो नोटिफिकेशन है 7 जुलाई 2023 को ही जारी हो गया था, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या 583 है, आप सभी को बताई है। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, क्या सिलेबस रहेगा, तो फुल डिटेल इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पद का नाम जो है संगणक। गैर अनुसूचित क्षेत्र में की बात की जाए तो 512 पद हैं, और अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP की बात की जाए तो 71 पद हैं, कुल पद 583 दे रखे हैं, ठीक है? अब अपन आके बात करते हैं। देख, तो उसको ये ऑनलाइन भरा जाएगा, और ऑनलाइन आपको SSID से भरा जाएगा। SSID पे आपको खोल के, अपनी SSID खोल के एक बार पंजीयन शुल्क, अगर किसी ने अभ्यर्थी एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा करवाना है तो अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान करें, आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजेक्शन लंबित रहने का कोई नहीं। यानी कि आपको ये क्या कह रहा है कि पेमेंट आपको अंतिम तिथि से पहले ही कर लेना है, बाद में अगर ऐसा कुछ नहीं करना है। और आपको ईमेल ID नहीं बदलना है, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं करना है। जो SSID पे है सब जो अपडेट है वो आप अगर चेंज कर दिया है तो SSID में आपको अपडेट कर लेना, ठीक है ना? तो अगर आपकी कोई हेल्प चाहिए इससे रिगार्डिंग, तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ना। बाकी SSID से बाकी फॉर्म जाएगा। बाकी एक बार ये पंजीयन शुल्क की बात की जाए तो 19/4/2023 के द्वारा फिर से अपनी SSID लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार पंजीयन शुल्क राजस्थान के ई मित्र क्योस्क की वार्ड के ऑनलाइन जो है OBC या नॉन क्रिमिनल की बात की जाए या क्रिमिनल की बात की जाए तो 600 रुपये है, और नॉन क्रिमिनल या अनुसूचित या ST की बात की जाए तो 400 रुपये है। SC ST या OBC नॉन क्रिमिनल 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन है तो 400 रुपये है। तो हाँ, एक पूर्व में अगर आपने OTR जमा करवा चुके हैं, अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क नहीं देना है। यानी कि जो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने करवा दिया है वहाँ पे शुल्क दे दिया है, तो आपको यहाँ फिर से देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आगे बात करते हैं पदों के बारे में, क्या कितने पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। पदों की बात की जाए तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य के लिए, सामान्य में 129 पद हैं, सामान्य महिला के 37 पद हैं, विधवा के 15 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं, और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो सामान्य के 57 पद हैं, सामान्य महिला के 17 हैं, विधवा के 6 हैं, परित्यक्ता के 1 हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात की जाए तो ये होंगे सामान्य के 43, सामान्य महिला के 12, विधवा के 5, परित्यक्ता के 1। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 75 है, सामान्य महिला में 22 है, विधवा के 8 है, परित्यक्ता में 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 18 है, सामान्य महिला में 5, विधवा में 2, परित्यक्ता में 1 भी नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS की बात की जाए, सामान्य में 36 है, सामान्य महिला के 10 है, विधवा के 4 पद हैं, परित्यक्ता के 1 है। और 12 जिला जो शहरीय जनजाति है वहाँ की बात की जाए तो सामान्य के 3 है, सामान्य महिला का 1 भी नहीं है, बाकी सब 0 है। 12 जिले की सारी आदिम जनजाति है तो एक पद बैकलॉग का है जो ऊपर पदों में वर्णित शामिल है ना। और हॉरिजॉन्टल रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, यानी कि जो विशेषज्ञ जन है उनके लिए अलग अलग पदों की जो है आप देख सकते हैं, है ना, 6, 6, 5 और 7 ये विशेषज्ञ जन के लिए। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के 64 हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो जनरल में 25, SC में 10, ST में 7, OBC में 13, MBC में 3 और EWS में 6 पद दे रखे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में विशेषज्ञ जन श्रेणी में HI का 01 व MIMD के 2 पद बैकलॉग के हैं जो ऊपर वर्णित में शामिल है। बात करते हैं TSP की, या कहें गैर अनुसूचित क्षेत्र में, तो TSP के लिए जो है क्या रहेगा संगणक परीक्षा में, कुल पद 71 देखे हैं, सामान्य के 21 हैं, सामान्य महिला के 7 हैं, विधवा के 2 हैं, परित्यक्ता का 1 भी नहीं दे रखा है इन्होंने। अनुसूचित जाति की बात की जाए, SC की बात की जाए तो सामान्य के 2 दे रखे हैं,
सामान्य महिला नहीं है, विधवा में भी नहीं है, परित्यक्ता का भी नहीं है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात की जाए तो सामान्य में 26 दे रहे हैं, सामान्य महिला 10, विधवा के 3, परित्यक्ता का एक भी नहीं। तो ये हो गई अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र के बदले में अनुसूचित 14 पद ब्याह लोग के हैं जो पूर्व विधवा वर्णित में शामिल हैं। और बताया क्षेत्रीय आरक्षण, क्षेत्रीय आरक्षण आप सभी जानती हैं, 2-1-2 विभागीय मंच 7, जनरल के 5, SC का 1, ST का, तो ऐसे कुछ ये पद दे रखे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी का एक पद दे रखा है हम लोग, ये दीजिएगा आपको। तो ये तो थी पदों के बारे में जानकारी। अब आपको जानकारी देते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल हैं जो आवेदन कर सकते हैं, है ना। आवेदन की बात की जाए, ये सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, है ना। वेतनमान की बात की जाए तो वेतनमान पे एक मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है, परीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दिए होंगे। स्थिति भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवर्तन प्रशिक्षु ट्रेनिंग को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक ऐसी दरों पर संबंधित दिए किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय से पर नियत किया जाएगा। यानी कि जो निर्धारित पर ट्रेनिंग के ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग काल में जो वेतनमान होगा वही दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता कोई अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मकान किराया, महंगाई भत्ता, वो सब आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे कि एक मकान किराया, क्षतिपूर्ति भत्ता, वेतन आदि ये नहीं होगा, ठीक है ना। खाली वेतन ही दिया होगा, विशेष वेतन आदि। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा ABC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOE ACC द्वारा संचालित ओ या उच्च स्तर लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रोफेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किस संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये तो और भी है, या फिर देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक विषय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन साथ सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान या कंप्यूटर विज्ञान और अभियंत्री के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, वर्धमान खुला महाविश्वविद्यालय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आवश्यक नोट में क्या लिखा है, ऐसे व्यक्ति जो स्थिति भर्ती नियमों या अनुसूची आदि उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका चुकी है उपस्थित हो रहा है रही है उस पद के लिए आवेदन करना ये पात्र होगा, किंतु 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 क्या है क्या है, जहाँ चयन लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो और मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व हो। देखो यहाँ पे नोट क्या दे रहा है इन्होंने कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 40% अंक निर्धारित है, तो ये आपको ध्यान रखना कि 40% अंक आपको लेना ही है, इससे कम गया तो आपका पत्ता कट जाएगा भैया। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने, यहाँ पे साफ साफ लिखे रखा 6 महीने के पहले का नाम अभ्यर्थी के रिश्तेदार और द्वारा भी दिया नहीं हो, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तो 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के, तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी राष्ट्रीयता अपना भारत के नागरिक होने चाहिए। आयु की बात की जाए तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष तो नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती
में सीधी भर्ती के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक इस वर्ष की भर्ती आयु में दृष्टि से पात्र था और उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। बाकी उच्चतम में तो है ही छूट, है ना। अधिकतम आयु में किसी की आयु ज़्यादा है तो SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये सब जानती हैं ना। बाकी सब तो फटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन तो पेंशन आपको निम्न स्वरूप दी जाएगी। विवाह पंजीयन, विवाह हो गया तो विवाह पंजीयन जरूरी है। पंजीयन शुल्क की बात की जाए तो 12/7/2023 से लगाकर 10/8/2023 तक आपको पंजीयन शुल्क जमा कर देना। ये तो फॉर्म भरने की तारीख है और आवेदन पत्र की तारीख भी वही है, 12/7/2023 से 10/8/2023 तक। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को हो सकता है, संभावित तिथि है इसके बारे में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ये संभावित तिथि है, इसमें परिवर्तन सुनिश्चित है, आप तैयारी में लग जाए। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई आवेदक सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रम में नियुक्त है तो इस नियुक्ति का आवेदन पूर्व से लिखित सूचित योजित करना चाहिए, है ना। और नियुक्ति की अयोग्यता में यदि कोई व्यक्ति किसी की एक से अधिक 2 जीवित पत्नियां हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, और किसी पत्नी के 2 जीवित पति हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हमने अपने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है SSID के थ्रू से, फिर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो ये भी कुछ फॉर्म भरने की फ़ोटो की साइज़ में रखना है, सिग्नेचर की साइज़ में रखना है, वो सब दे रखा है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समझ के हम नए विधायक जाति प्रमाण दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार, हाँ जी, तो सब पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, सीधा सिलेबस पे जाएंगे, हाँ। परीक्षा के इसकी में पाठ्यक्रम की बात कर जाए तो पार्ट ए के अंदर आपको जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या 30 होगी और नंबर ऑफ मार्क्स दो भी 30 रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। पार्ट बी में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स रहेगी। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 70 रहेगी और नंबर की संख्या टोटल मार्क्स 70 रहेंगे, यानी कि जितने प्रश्न हैं उतने ही अंक हैं। और एग्जामिनेशन पीरियड टाइम की बात की जाए तो 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है ना। तो पार्ट ए में जनरल नॉलेज की बात की जाए, अगर आप इसको हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं, या चलो अपने इंग्लिश में ही देख लेते हैं। पार्ट ए की बात की जाए तो यहाँ पे ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनालिसिस, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन और एनालिसिस, वेजिटेशन एंड सोइल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉरेस्ट, वाटर, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, इट्स कन्वर्जेशन, एनवायरमेंट कन्वर्जेशन, मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट स्कीम क्या है, वेरियस रिसोर्स ऑफ पावर, पॉपुलेशन एंड रिसर्च, तो ये सब जनरल नॉलेज में पूछेगा। और हिस्ट्री की बात की जाए तो कल्चर, हेरिटेज, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान फेमस हिस्ट्रिकल कल्चर प्लेसेज ऑफ राजस्थान, फोल्क लिटरेचर, फोल्क आर्ट, ड्रामा, देवियाँ देवता, देवी देवता, फोल्क म्यूजिक, डांस, फेयर्स, फेस्टिवल, कस्टमर ज्वेलरी, यानी कि आभूषण वगैरह में, देवी देवताओं के बारे में जो हवेलियाँ हैं, टेम्पल्स हैं, किले हैं, कस्टम हैं, हवेलियाँ हैं, सेंट्स हैं, राजस्थानी पेंटिंग्स हैं, स्कूल्स हैं राजस्थान, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स एंड हेरिटेज, सबको पूछे जाना है। तो करंटली इवेंट जो हुए हैं इशू ऑफ राजस्थान इंडियाज मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि करंटली इवेंट क्या क्या हुए हैं। पार्ट बी की में आ जाएगा स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, जो 70 नंबर का रहेगा, सबसे बड़ा पोर्शन है, तो ये सब आप देख सकते हैं। करेक्शन इरीगेशन आएगा, डिजाइन सैम्पल सब आएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस इंडेक्स नंबर आएगा ना, तो ये सब यहाँ सब आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। विटल स्टडी का जगह वीट और स्टेटिकल सिस्टम, स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया,
राजस्थान, उसमें नीति आयोग, RBI, CSO, NSSO और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिक डिमांड फोरकास्टिंग, डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्क्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, इन्फॉर्मेशन, मनी मेकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा। और इस पर आप डिटेल चाहते हैं तो ये सब वेबसाइट दे रखी है ना। तो आज का एक सेशन आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी बताएं। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी क्लासे आपको देखने में को मिल जाएंगी कुछ ही दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे के बटन को प्रेस कर लेना, ठीक है।